बाद रहीम तुखम मलंगा खाने के देसी तिब्बी फवायद। तुखम मलंगा खाने का तरीका और उसके देसी तिब्बी फवायद। गर्मियों के मौसम में तुखम मलंगा को ज़रूर खाया जाता है, यह अपने फ़ायदों की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। तुखम मलंगा एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर और बहुत सी मादनियात मौजूद होती हैं। आज हम आपको तुखम मलंगा के खाने से होने वाले फवायद के बारे में बताएंगे। निज़ाम इन्हज़ाम, तुखम मलंगा हमारी निज़ाम इन्हज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह निज़ाम इन्हज़ाम के तमाम फंक्शन को चलाने की खासियत रखता है। ये मैदा को ताकत देता है और उसको बीमारियों से बचाता है। पेट की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक चम्मच तुखम मलंगा को आधा गिलास पानी में भिगो कर रखें आम टेम्परेचर पर, और उसके बाद दूध, जूस और दूसरे मशरूबात में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैदा सेहतमंद रहेगा। दिल के लिए बेहतरीन, तुखम मलंगा दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। आप रोज़ाना की डाइट एक चम्मच तुखम मलंगा को लीमू पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दिल की बीमारियों से महफूज रहने में मदद मिलती है। अगर ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाने और याददाश्त को बढ़ाकर कंसंट्रेशन की पावर में इजाफा करने के बाद की जाए तो उसके लिए तुखम मलंगा इंतहाई मुफीद साबित होता है। उनके अंदर पाया जाने वाला वगैत्री आपके ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज को साफ करने और दिमागी ताकत को बढ़ाने में भी नुमाया साबित होता है। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।